अगर आप पटना से सहरसा जाना चाहते हैं या सहरसा से पटना आना चाहते हैं तो ऐसा लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट ट्रेन राजरानी एक्सप्रेस सबसे बेस्ट ट्रेन माना गया है। पता नहीं भाई क्यों माना गया है, तो चलिए देखते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, आज देखते हैं आखिर बेस्ट क्यों। सो हे यू ऑसम पीपल, इट्स YBS मून, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है ट्रेन नंबर 12568 राजरानी एक्सप्रेस, जिसे हम लोग स्टेट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रेन रोजाना पटना जंक्शन से 12:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलती है सहरसा के लिए, और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 214 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर प्रति आवर, और ये आपको सहरसा 5 घंटा में पहुंचा देगी। सहरसा में इसका टाइम है पहुंचने का 5:15, और उधर सहरसा से इसका टाइम है, तो सहरसा से भी ये ट्रेन रोजाना चलती है सुबह में 6:15 पे सहरसा से ट्रेन ये खुलती है, और आपको 11:30 बजे ये पटना जंक्शन छोड़ती है। तो चलिए, ये थी ट्रेन की जानकारी, अब है अपनी बारी। फाइनली अपनी ट्रेन टाइमली आ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आनी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पटना कोटा एक्सप्रेस लगा हुआ था, इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये आई है, और अपना कोच है C2। चलते हैं अपने कोच की ओर। ये है C1, देखिए अपनी कोच है C2। यह है C2। C2 क्या हाल है? सो फिलहाल अपने कोच में आ चुके हैं। आने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ, सीट नहीं मिल रहा था अपना। सीट नंबर देखिए कहाँ दिया हुआ, ये रहा अपना 30 सीट नंबर विंडो साइड। और आपको तो पता है आपका भाई विंडो साइड ही सीट लेता है, क्यों लेता है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए व्यू बाहर का। सो फ्रेंड, चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ, और इंटरसिटी एक्सप्रेस से बढ़िया इंटीरियर हमको लगा एसी चेयर कार का इस ट्रेन का, राजरानी एक्सप्रेस जिसे हम लोग स्टेट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा देख। ये देखिए ये ट्रे हुआ, इस पर रख के आप कुछ खा सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं लैपटॉप से। और ये वाटर बोतल होल्डर जहाँ आपका भाई का पानी है, और ये लेग रेस्ट हुआ। सामने मिरर भी इसका क्लीन है, इंटरसिटी एक्सप्रेस से अच्छा है। और ये रहा कर्टेंस, वो भी अच्छा है। और ये रहा सीट, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है ये, अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप आराम कर सकते हैं। तो ये था इंटीरियर, और हाँ एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ऊपर देखिए ये स्टडी लैंप है, अगर आप पढ़ते हैं रात में कुछ पढ़ना हो या कुछ काम करना हो तो ये आप जलाकर कर सकते हैं। लगेज स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड, राइट नाउ टाइम इज़ 12:31, और ट्रेन अपनी निकल चुकी है पटना जंक्शन से। पटना का स्टेशन कोड है PNBE, और ये दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और इस स्टेशन के बारे में आपको बता दूं, यहाँ से डेली 65 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 128 ट्रेन का यहाँ स्टॉप है। और इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है, और पर डे 5 लाख पैसेंजर पटना जंक्शन से ट्रेवल करते हैं।
पटना के बाद पहला स्टॉप आ चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन। और अब मैं आपको इस ट्रेन का हिस्ट्री बताता हूँ। इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी मार्च 2012 में और 2013 अगस्त में इस ट्रेन के साथ इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट ऐसा था कि ये ट्रेन 37 लोगों के ऊपर से चढ़ा दिया गया था, तो इसमें इंजन को जला दिया गया था और रेलवे के प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये था इंसिडेंट इस ट्रेन के साथ। इसके बाद अगला स्टेशन होगा मोकामा, तो मोकामा में मिलेंगे आपसे। तो यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट था बस। आना सर क्या राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग बाढ़ स्टेशन और यहाँ स्टॉप नहीं है, क्रॉस कर रहे हैं। और आपका भाई मटकी चाय का आनंद ले रहा है, 10 रुपया, अच्छा टेस्ट है। उसमें पानी की सुविधा को ये देखते हैं, पानी का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ कमी हो उसको देते हैं। और इनका एक ही का नाम है कि पानी को बहुत बर्बाद किया जाता है, खोल के कभी ना छोड़ दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। और देखिए बेसिन का, देखिए डस्टबिन का। अभी कुछ देर पहले वहाँ से आए थे, पान का पीक फेंक के गए, अब तो नहीं दिखा पाए। हमसे बड़े एज के थे, 5 उम्र के थे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। क्या बोले, शर्म लगता है बोलने में, शर्म लगता है भाई, क्या बोले। उनको खुद सोचना चाहिए था लेकिन वो नहीं सोचते हैं इसके बारे में। क्या किया जाए, कितने लोगों को रोका जाए। Moments later. So right now we reach मोकामा जंक्शन। और मोकामा जंक्शन में 2 मिनट का यहाँ होल्ड है और अब ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। पटना के बाद ये दूसरा होल्ड है। और अब मैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में आपको बता दूँ। ये WDM A3 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ये चलती है। मुगल सराय का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन है वो चलती है। और कोच का पोजीशन इस प्रकार है कि 18 जनरल कोच और 3 एसी चेयर कार कोच के साथ ये ट्रेन पटना से सहरसा के बीच चलती है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे बेस्ट ट्रेन है, टाइमली पहुंचाती है सहरसा तक। और यहाँ का बाथरूम का फैसिलिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरसिटी एक्सप्रेस से भी बहुत बढ़िया यहाँ का बाथरूम का फैसिलिटी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस ट्रेन का, राजरानी एक्सप्रेस का बाथरूम मैं दिखा रहा हूँ। बाथरूम का क्या कंडीशन है, क्या क्या फैसिलिटी है इसके बाथरूम में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो बाथरूम में जाने से पहले आप देख लें, यहाँ स्टीम यूजर रखा हुआ है पाउडर टाइप, और डस्टबिन है जो कि गंदा है, पान का पीक फेंक फेंक के गंदा कर दिया गया है। बिहार में ट्रेन चलेगी ये हाल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। यह है बाथरूम, और बाथरूम में मैट लगा हुआ है। पहली बार देखे हैं किसी ट्रेन में बाथरूम में मैट लगा हुआ है, वाह अच्छी बात है। सामने मिरर, आपका भाई मिरर में दिख रहा है। लाइट लगा हुआ है यहाँ, और सेविंग करने के लिए पॉइंट यहाँ दिया गया है, ये अच्छी बात है। और हैंड वॉश करने के लिए, ओ इसमें से लिक्विड निकल रहा है, हमें लगा नहीं निकल रहा, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये हुआ बेसिन, अच्छा बाथरूम है। फ्लश भी काम कर रहा है। हैंड होल्ड करने के लिए दिया गया है, मग रखा हुआ है। खड़ी हो रही है।
गाड़ी संख्या 125 राजरानी एक्सप्रेस जो पटना से चल के खगड़िया मंदिर के रास्ते सहरसा को जाएगी, बस संख्या 2 पे खड़ी हो रही है। और यहाँ हॉल्ट था, 2 मिनट का हॉल्ट था और स्टेशन कोड था PGS और अगला स्टॉप होने वाला है खगड़िया जंक्शन। सो फाइनली वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन खगड़िया जंक्शन और इसका कोड है KGG। जी हाँ, और यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद अगला स्टॉप होगा मानसी जंक्शन, उसके बाद एस बख्तियारपुर, उसका लास्ट सहरसा। और मेरा टिकट यहीं तक था, खगड़िया तक की टिकट था, इसलिए यहीं तक ब्लॉग में दिखा सका। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन। और हाँ, फेयर के बारे में आपको बता दूँ, इस ट्रेन का राजरानी एक्सप्रेस एसी चेयर कार का फेयर है 410 रुपया पटना से सहरसा का, 410 रुपया फेयर है इसका। तो यही था ट्रेन का प्रॉपर ब्लॉग। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह अगर लगातार मेरे साथ जर्नी करना चाहते हैं, ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो भाई को सपोर्ट करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई देता हूँ सबका। और इस ट्रेन के बारे में बताया गया था कि ये ट्रेन टाइमली चलती है, वाकई एकदम टाइमली ट्रेन, अभी तक तो टाइमली है और अच्छी थी। इंटरसिटी एक्सप्रेस से तो बढ़िया है, इसी चेयर कार इसमें लगा मुझे राजरानी एक्सप्रेस में। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय।